अस्सलाम वालेकुम, मैं फहद बिन आसिफ प्रोग्राम हेडलाइन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आपके अहल वयाल भी खैरियत से होंगे। आज पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा, आज दोबारा से पंजाब का मुकद्दर लिखा जाएगा, लेकिन जमातें वही पुरानी काफ लीग और नून लीग मद्द मुकाबिल हैं। काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं और नून लीग के हमजा शहबाज शरीफ इस मनसब के लिए उम्मीदवार हैं। नून लीग की हमायत याफ्ता पीडीएम की तमाम जमातें उनको सपोर्ट करेंगी, काफ लीग को पीटीआई सपोर्ट करेगी। पीटीआई के चंद दिनों में आपको पता चला होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, एक छीना ग्रुप, एक जहांगीरतरीन ग्रुप, एक अलीम खान ग्रुप। छीना ग्रुप ने काफ लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उसमें पहले ही काफ लीग के वो पुराने अरकान असम्बली मौजूद थे जो किसी दौर में काफ लीग में रहे थे, जबकि जहांगीरतरीन और मुना सलाही की 4 घंटे की तवील तरीन मुलाकात रही। उस मुलाकात में कोई भी हतमी फैसला ना हो सका और जहांगीरतरीन ने नून लीग की हमायत करने का ऐलान कर दिया। अलबत्ता मुने सलाई एमपीए जहांगीरतरीन के 3 तोड़कर लाने में कामयाब हो गए। तीसरा अलीम खान ग्रुप, उसमें से भी एक एमपीए ने काफ लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है। सुबह जो भी पार्टी 183 अरकान अपने मुकम्मल कर लेगी वो वज़ीर आला बन जाएगी, लेकिन आज की रात तमाम जमातों के लिए चांद रात है। सब अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह वज़ीर आला वो बन जाए। वक्त का मुकद्दर बताएगा कि कौन क्या बनता है। आज रमज़ान भी शुरू हो गया है, सुबह पहला रोज़ा है, पहला रोज़ा पहले रोज़े की पहली किरण पहला सूरज किसके लिए क्या लेके आता ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 183 अरकान बहुत ही मुश्किल से दोनों जमातों के पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पहली वोटिंग में 183 अरकान मुकम्मल नहीं होते तो दूसरे मरले में दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दोबारा भी अगर 183 अरकान कोई एक जमात भी पूरे नहीं कर सकती तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। इस सूरत में पंजाब दोबारा से जनरल इलेक्शन में चला जाएगा। इमरान खान ने अपनी तमाम पार्टी को वाजिया नोटिस जारी कर दिया है कि सुबह कोई भी पंजाब असम्बली से गैर हाजिर ना रहे, सब के सब काफ लीग को हमायत करें। अगर कोई पंजाब असम्बली का मेंबर गायब हुआ तो उसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। आज दोनों जमातों ने अपने अरकान को अशाइये दिए थे, एक सिंध हाउस में और दूसरा काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही के घर में। दोनों पार्टियों ने अपनी हमायत पूरी शो करवाने की कोशिश की है कि हमारे नंबर ऑफ़ गेम्स पूरे हैं, लेकिन ये तो सुबह ही पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ गेम्स किसके पूरे हैं और पंजाब की भागदौड़ कौन संभालेगा। अगर ये पंजाब की भागदौड़ संभालते हैं तो क्या ये 1.5 साल के लिए संभालेंगे, या जो सुबह नेशनल असम्बली का अदम एतमाद होगा उसमें अगर पीडीएम आ जाती है तो वो 6 महीने या 1.5 साल जितना भी दौर अपना हुकूमत का पूरा करेगी उसके साथ ही ये जमात भी पंजाब असम्बली भी उतना अपना अरसा पूरा करेगी और उसके बाद तहलील हो जाएगी। शुक्रिया।